हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डी एस रेडियो क्लासेस आई एम वंस अगेन योर इंग्लिश टीचर डॉक्टर अलका शर्मा हेयर टू टीच यू टुडे पास्ट परफेक्ट टेंस यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डन विद द टेंसेस हम पहले से टेंसेस कर रहे हैं और टेंस क्या होता है ये भी आप अच्छे से जानते हैं और हमने टेंसेस में ये भी जाना कि टेंस जो है मेन थ्री टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज प्रेजेंट सेकेंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर फिर हमने जो है प्रेजेंट टेंस भी कर लिया और जब हमने पास्ट की बात की थी वी हैव ऑलरेडी डन विद पास्ट इन डेफिनेट टेंस और उसके साथ हमने किया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो बच्चों आज जो है हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो होता क्या है लुक जब भी हम हिंदी में सेंटेंस कोई फ्रेम करते हैं एंड हम कहते हैं कि ये काम हो चुका था यू रिमेंबर आई थिंक पास्ट यू रिमेंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हमने कहा था चुका है चुके हैं चुकी है अगर हिंदी के किसी सेंटेंस की एंड में ये आता है तो हम लोग कहते हैं दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसी तरह से बेटा जब हमारे पास हिंदी में आता है चुका था चुकी थी चुके थे मतलब वो काम जो है वो हो चुका है सो दैट मीन्स वॉट विल वी यूज़ वी विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड सो हम ये भी कहते हैं कि जो काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है द वर्क हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड तो हम उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे वी विल मेक यूज ऑफ पास परफेक्ट टेंस अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इफ वी टॉक अबाउट कि हमें इसमें किस तरह से पता चल जाता है तो ये सेम है जिस तरह तो से पास्ट इंडेफिनेट टेंस का आपने किया था उसमें जो आपको बताया गया था कि ये इसके चिन्ह होते हैं सेम जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है लेकिन हाँ, जब सेंटेंस में ये आता है दो काम अगर आपके पास्ट में इकट्ठे खत्म हो जाते हैं एक पहले और दूसरा उसके बाद तो जो पहले काम खत्म होता है हम उसमें लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और जो बाद में होता है यानी कि दूसरे नंबर वाला वी मेक यूज ऑफ पास्ट इन डेफिनेट टेंस इन दैट यह आपने दिमाग में रखना है दो काम जब इकट्ठे खत्म हो रहे हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं तो पहले वाले में क्या आएगा पहले वाले में आएगा पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाले में क्या आएगा दूसरे वाले में आएगा पास्ट टेंस बट समाइम्स मेक यूज ऑफ ओनली पास परफेक्ट टेंस सो इन दैट केस वी मस्ट थिंक कि यहाँ पर पास इन टेंस जो है उसकी जो क्रिया है उसका जो वर्ब है वो डिस हो गया है ओके okay? सो so अब हमने क्या करना है अब हमने समझना है कि पास परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या हैं जब भी हम इस टेंस को यूज करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें क्या यूज करना है सो कीप दैट थिंग इन माइंड एंड गेट योर नोटबुक्स ऑल्सो रेडी ओके सो राइट डाउन द फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट जो होता है उसमें हम क्या यूज करेंगे उसमें हम यूज करेंगे हैड जैसे हमने याद रखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी मेक यूज ऑफ हैज और हैव हम क्या यूज करते हैं हम हैज यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं हैव यूज करते हैं इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव जो है उसकी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड दैट दैट इज इज व्हाट हैड हैड एच ए डी और उसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वी विल मेक यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसको यूज करना है सो दिस इज द रूल फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस आपने याद रखना है सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब हम ये लगाते हैं तो हम कहते हैं कि वी हैव रेड यूज वॉ वी हैव यूज वी आर यूजिंग पास परफेक्ट टेंस नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ओके सो एग्जाम्पल में ले, ले लेते हैं जैसे तुम सीख रहे थे तुम सीख रहे थे ये एक सेंटेंस जो है हिंदी में है जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं इसको सेंटेंस को दैट यू वर लर्निंग लेकिन जब हमने सेंटेंस जो है पास परफेक्ट में बनाना है तो हम लिखते हैं तुमने सीखा था तुमने सीखा था अब देखो इसमें आपने देखा कि इसमें तो हो चुका है ओके okay? सो so, तुमने सीखा था दैट मीन्स हम क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट है हमारे पास तुमने तुमने इन इंग्लिश इज यू सीखा था हमें पता चल गया दैट दिस इज पास सो लेट्स रिकॉल द रूल्स एंड वॉट इज द रूल दैट वी हैव टू यूज हैड सो अलॉन्ग सब्जेक्ट दैट इज यू वी विल मेक यूज ऑफ हैड दैट मीन्स सेंटेंस विल बिकम यू हैड नाउ कम्स द वर्ड सीखना सीखना मीन्स लर्न सीखना मीन्स लर्न सो द थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न इज टू बी यूज सो वी विल मेक यूज ऑफ यू हैड लर्न यू हैड लर्न ओके सो यह आ गया तुमने सीखा था अब इसको आप कर सकते हैं मैंने सीखा था सो दैट विल बिकम आई हैड लर्ट या हम लोगों ने सीखा था वी हैड लर्न उसने सीखा था He had learned. Un logo ne sikha They had learned. Now look The subject changed But rest of the sentence remains same in all these examples So whenever we say that We are making use of past perfect tense Do recall That we will make use of had plus third form of verb Ok Now let's take another example अब हम कहते कि उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था अब जब हम कह रहे उन्होंने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन मैन वन इंडिविजुअल आई एम टॉकिंग अबाउट उन्होंने यानी कि ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर वी हैव टू मेक यूज ऑफ दे दरवाजा बंद कर दिया था मतलब ये काम जो है सेंटेंस से पता चल रहा है हो चुका है ओके सो वी विल मेक यूज ऑफ हैड दे हैड दरवाजा बंद करना दैट मीनस लॉकडोर सो लॉकड वर्ड जो है दैट इज दर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और वर्ब क्या हमारे पास लॉक करना बंद करना सो द सेंटेंस विल बी दे हैड लॉकड द डोर सो ये आपने देखा दिस इज वेरी इजी और जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि हैड लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज लॉग्ड लगी है दैट मीनस दिस टेंस इज पास परफेक्ट टेंस ओके सो अगर आप याद रखने के लिए uh, मतलब सोचना चाहते हैं तो देखिए, हैड परफेक्ट और डी डी शोज वॉट पास्ट सो दिस इज पास परफेक्ट टेंस लेट्स टेक एग्जाम्पल उसने चोर पकड़ लिया था उसने चोर पकड़ लिया था दिस इज अंटेंस इन हिंदी अब हम इसको जो है इंग्लिश में जब लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैउट सब्जेक्ट सो वॉट इज अब्जेक्ट हेयर उसने उसने इन इंग्लिश इज ही और इट कैन बी शी ओके सो वी मे राइट लिट से शी शी पकड़ लिया था चुका था यानी कि यह काम हो चुका था सो दट मींस वी विल मेक यूज ऑफ हैड एलोंग विथ सब्जेक्ट दैट इज शी और पकड़ना चोर की इंग्लिश तो हम जानते हैं, उसको हम कहते हैं थीफ टी एच आई एफ थी पकड़ना, पकड़ना होता है बेटा कैच सी ए टी सी एच कैच कैच होता है पकड़ना नाउ लेट्स रिकॉल द थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑफ द वर्ड कैच सो दैट इज कैच कॉट कॉट कैच

So, ये हमारे पास सेंटेंस जो है बन गया एफरमेटिव में दैट इज पास परफेक्ट टेंस का शी हैड अ थीफ अब ऐसे हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं तुमने तुमने गलतियां सुधार ली थी तुमने गलतियां सुधार ली थी या तुमने गलती सुधार दी थी अब हमने इस सेंटेंस को करना है इंग्लिश में नाउ तुमने मीन्स यू तुम मतलब यू सो ट इज द सब्जेक्ट दब्जेक्टर दैट इज यू यू एंड अलॉन्ग सब्जेक्ट वी हैव टू मेक यूज ऑफ हैड ये हमारा रूल है तो हमने यहां पर क्या यूज किया हैड को यूज कर लिया यू हैड नाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ ऑफ थर्ड फॉर्म द वर्ब हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है नो वॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज करेक्ट ठीक है ठीक करना करेक्ट करना सो दैट इज करेक्ट क्टेड so हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगाई ना वर्ब की दैट इज करेक्टेड अब गलती मतलब मिस्टेक सो दैट मीन्स वॉट विल बी और कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश यू हैड करेक्टेड द मिस्टेक्स यू हैड करेक्टेड द मिस्टेक्स ओके अब एक सिंपल साम एग्जाम्पल वो लेती हूँ आपके साथ तुमने खाना खा लिया था तुमने खाना खा लिया था सो so, हम इसमें क्या लिखेंगे यू एंड अलोंग विद यू वी विल मेक यूज ऑफ हैड एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब खाना खाना दैट ईट ईट की थ्री फॉर्म्स को रिकॉल करें ईट एट ईटन सो वट आर द्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ईट एट ईटन सो वी विल मेक यूज ऑफ उसने खाना खा लिया था सो so, हम लिखेंगे ही हैड ईटन द फूड ही हैड ईटन द फूड ये हमारे पास बन गया सेंटेंस दैट इज इन पास परफेक्ट टेंस ओके ऐसे ही आप एक और सेंटेंस लिख सकते हैं uh, उसने गाना गा लिया था उसने गाना गा लिया था नो no, गाना दैट इज सिंक उसने दैट में बी शी और ही सो वी विल राइट इट एज हीड थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब दट इज सिंह की हम सोचेंगे कौन सी होंगी सिंग सेंग सं थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें पता है सो वी विल राइट शी हैड संघ अंग गाना गाना है ना तो शी और ही हैड संघ अ Song. तो आपने देखा दैट हमने सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया वी हैव रिटर्न देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो हमने लगा लिया ओके okay? सो so ये हमारे पास क्या कौन सा बन गया सेंटेंस बन गया एफर्मेटिव का लेकिन कौन सा पास परफेक्ट टेंस का ऐसे ही आप जो है बहुत से सेंटेंसेस जो है वो ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं तो आप उस सेंटेंस को लिखिए पहले हिंदी में और फिर उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट जरूर करिए उससे क्या है आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल आल्सो कम टू नो हाउ टू रिद ट्रांसलेट इट इन टू पास परफेक्टेंस सिंपली रूल जो है हमने उसको याद रखना है अब हमने जो ये सेंटेंसेस किए हैं दे वर ऑल इन एफर्मेटिव अब हम करेंगे इसको नेगेटिव में क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव में होता है और वो नेगेटिव में जिसमें नहीं लगता है उसमें भी होता है और वो इंटेरोगेटिव में भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वी आस्क अ क्वेश्चन ओके सो लेट्स टेक सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म अब नेगेटिव फॉर्म में जैसे मैंने आपको अभी बताया था मैंने सीखा था आई हैड लर्नड अब हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं नेगेटिव में मैंने नहीं सीखा था

सो so, हमने क्या लिखा उसको हमने उसको लिखा लर्न क्योंकि थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है लर्न 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 सो वी हैड मैंने नहीं सीखा था आई हैड नॉट लर्न आई हैड नॉट लर्न ऐसे ही तुमने नहीं सीखा था सो यू मे राइट इट एज तुमने मीन्स यू सो रेस्ट विल रिमेन सेम यू ड नॉट लर्न उसने नहीं सीखा था अब हम क्या लिख रहे हैं उसने नहीं सीखा था हम उसमें क्या लिखेंगे हम उसमें लिखेंगे ही हैड नॉट लर्न ओके फिर हम इसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं हम लोगों ने नहीं सीखा था हम लोगों ने नहीं सीखा था वी हैड नॉट लर्न उन लोगों ने नहीं सीखा था समझ आ रही है ना आपको? देखो बेटा कितना आसान है आपने क्या किया कुछ भी नहीं किया आपने सब्जेक्ट लगाया उसके बाद आपने क्या लगाया हैड लगाया जो कि पास परफेक्ट में लगता है और उसके बाद आपने क्या लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई तो आपके सेंटेंस जो है वो बनने शुरू हो गए हो गए ना बनने शुरू So, कितना आसान है कितना इजी है हम लोग जब चेंज करते हैं एफर्मेटिव को नेगेटिव में या नेगेटिव को हम सेंटेंस जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इट्स वेरी इजी टू रीड द फ्रेम देम अब जैसे मैंने आपके साथ एक सेंटेंस लिया था तुमने खाना खा लिया था तो हम इसी को ले लेते हैं नेगेटिव फॉर्म में तो नेगेटिव में हम कैसे बनाएंगे तुमने खाना नहीं खा लिया था ठीक है तुमने खाना नहीं खा लिया था अब तुमने मींस यू हमने यू लगा दिया अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे हैड लगा देंगे जब हमने हैड लगा दिया तो फिर नहीं आया है अब नहीं के लिए हम क्या करेंगे नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे सो हम लिखेंगे यू हैड नॉट ईटन द फूड यू हैड नॉट ईटन द फूड अब हम जो है एक सेंटेंस और ले लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया मैंने लिखा था दे हैड लॉग्ड द डोर दे हैड लॉग्ड द डोर अब आप इस सेंटेंस को बना दीजिए नेगेटिव में सिंपल है क्या लगाना है हमने वेरी गुड हमने लगाना है नॉट सो so, हम लिखते हैं दे हैड नॉट लॉग्ड द डोर ओके शी हैड कॉट अ थीफ शी हैड कॉट अ थीफ तो सिंपल जब नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो हम लिख देंगे शी हैड नॉट कॉट अ थीफ शी हैड नॉट कॉट अ थीफ ओके वेरी इजी वेरी इजी टू रेदर फ्रेम सेंटेंस अब हम लेते हैं थर्ड फॉर्म एंड दैट थर्ड फॉर्म इज द इंटेरोगेटिव वन इंटरोगेटिव मीन्स जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या पूछते हैं क्वेश्चन पूछते हैं अब क्वेश्चन पूछना मतलब जैसे आप हम सेम सेंटेंस ले लेते हैं मैंने सीखा था यू रिकॉल दैट मैंने सीखा था अब इसी को जब हमने इंटरगेटिव फॉर्म में बोलना है तो हम लिखते हैं क्या मैंने सीखा था क्या मैंने सीखा था ये सेंटेंस हमारे पास किस में आ गया ये हमारे पास आ गया नेगेटिव फॉर्म में अब हमने क्या करना है इसको बनाना है इंग्लिश में वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस जब हमने इसको हिंदी में पढ़ा तो वहीं से हमें पता चल गया सीखा था सो हम इसको क्या करेंगे मतलब ये काम जो है शो कर रहा है कि हो गया हुआ है सो हम क्या करेंगे हमने याद रखना है आई हैड लर्न वो हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस में एफरमेटिव में और जब हम इसको चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में तो हम इंटेरोगेटिव में हमेशा हैज हैव हैड होता है जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं So, हमने हेड को पहले लगाया तो पीछे हमारे पास सेंटेंस बचा आई लर्न एक्चुअली देखो ना सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या था आई हैड लर्ड और अब हमने यहां पे क्या किया हमने हेड को पहले लगा दिया और फिर हमारे पास जो रेस्ट सेंटेंस होगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब सो so, ये हमने सो वी हैव चेंज इट और ये हमारे पास बन गया हैड आई लर्न हैड आई लर्न एंड देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि सेंटेंस के एंड में आप क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क ठीक है सो आपने वो साइन लगा लिया सो हैड आई लर्न तो यह हमारे पास बन गया इंटेरोगेटिव फॉर्म ऐसे ही क्या तुमने सीखा था क्या तुमने सीखा था सो यू मे राइट इट एज हैड यू लर्न हैड यू लर्नड क्या उसने सीखा था अब उसने हैं So, हमें पता है हमने क्या लगाना है ही लगाना है हैड ही लर्न क्या हम लोगों ने सीखा था हैड वी लर्न क्या उन लोगों ने सीखा था हैड दे सो बेटे लाइक वाइज जो है आप बहुत से है इंटेरोगेटिव फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं सो वॉट वी हैव टू रिकॉल दैट मीन्स हमने सिर्फ याद रखना है कि ये जो होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इनको हम क्या करेंगे इनको हम पहले लगाएंगे फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे वर्ब लगाएंगे किस केस में वेन द सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म अदरवाइज वेन इट इज इन अफर्मेटिव फॉर्म तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे फिर हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम क्या लगाएंगे हम वर्ब लगाएंगे सो so ये आपने याद रखना है ओके okay? ये आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि इससे सेंटेंस को बनाने में हमें हेल्प मिलती है नहीं होगा इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन फॉर्म में सेम जो है मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ क्या मैंने नहीं सीखा था क्या मैंने नहीं सीखा था अब देखो नहीं आ गया दैट इज नेटिव एंड सीखा था क्वेश्चन आ रहा है सो दैट मीन्स दिस इज इंटेरोगेटिव सो आपको पता है कितना आसान है इसको बनाना हैड आई नॉट लर्न हैड आई नॉट लर्न सो दिस विल बी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे ही क्या तुमने नहीं सीखा था हैड यू नॉट लर्न हैड यू नॉट लर्न क्या उसने नहीं सीखा था हैड ही नॉट लर्नड क्या हम लोगों ने नहीं सीखा था हैड वी नॉट लर्नड क्या उन लोगों ने नहीं सीखा था हैड दे नॉट लर्न वाइज so हम बहुत से सेंटेंस जो है वो लिख सकते हैं ओके okay? सो so उसमें हमने क्या याद रखना है सिंपल रूल्स को रिकॉल करें और उसके बाद जो है सेंटेंसेस जो हैं उनको हम चेंज करते जाएंगे तो इस तरह से जो है हम आगे आगे बढ़ते हैं अब वन थिंग जो आपने याद रखनी है कि होता क्या है कि जैसे आपको सेंटेंस जब दिया जाता है एक तो हम हैड लगाते हैं और उसके बाद जो है हम वर्ब जो होता है उसकी पास पार्टिसिपल जो है उसको जोड़ते हैं सो so, मेरे सभा में जाने से पहले भीड तितर भीड़ तितर बितर हो चुकी थी अब ये एक सेंटेंस है इस सेंटेंस में जो है आप देखेंगे भीड़ भीड़ होती है क्राउड तितर बितर होना डिस्पर्स होना द क्राउड हैड डिस्पर्स बिफोर आई वेंट टू द मीटिंग अब मैंने जो जिक्र किया था आपके साथ कि जब हमारे पास एक ही सेंटेंस होगा और एक सेंटेंस में दो काम जो है वो इकट्ठे खत्म हो रहे हैं समाप्त हो रहे हैं सो so, जो पहले वाला होगा उसमें हम क्या लगाएंगे उसमें हम लगा देते हैं पास्ट परफेक्ट और जो दूसरा होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे उसमें हम लगाएंगे पास्ट इन डेफिनेट टेंस सो मेरे सभा में जाने से पहले मतलब पहले ही जो है भीड़ तितर बितर हो चुकी थी अब भीड़ का मतलब है क्राउड हा? भीड़ का क्या मतलब है क्राउड तित्र बित्र हो गया डिस्पर्स होना सो so, हमने समझ लिया कि जो क्राउड है वो क्या हो चुकी थी डिस्पर्स हो चुकी थी द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड डी आई एस पी ई आर एस ई डी द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड ठीक है क्राउड जो है वो डिस्पर्स हो चुकी थी कब जाने से पहले पहले मीन्स बिफोर पहले का क्या मतलब है बिफोर Before, अब किसके सभा में जाने से पहले मेरे यानी आए आए अब मैंने आपसे कहा था कि जब दो एक साथ आ रहे हों दो काम इकट्ठे खत्म हो रहे हों तो उस समय क्या होता है पहले वाले पार्ट में हम क्या लगाते हैं हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाले में पास्ट इनडेफिनेट सो so, जब हमने सेंटेंस फ्रेम किया वी हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस

द क्राउड है क्लास में जाने से पहले ही शोरगुल बंद हो गया था अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी है हमारे पास इस सेंटेंस में ऐसे कौन से वर्ड हैं जो मतलब जिसका हमें इंग्लिश में वर्ड नहीं आता शोरगुल का मतलब होता है नॉइस शोरगुल का क्या मतलब है नॉइस हा बंद हो जाना मीन सब्सिडाइज हो जाना कम हो जाना अब टीचर के तो आपको पता है शिक्षक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं टीचर ओके तो क्लास को भी आप आपको पता है कि क्लास को क्लास ही कहते हैं सी एल ए डबल एस सो हुआ क्या था कि टीचर अभी क्लास में गया भी नहीं था उसके जाने से पहले ही जो आवाज थी क्लास में शोर जो था वो क्या हो गया बंद हो गया सो so, हमने जब सेंटेंस को फ्रेम किया सो so, हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं द नॉइज हैड सबसाइडिड दॉइज हैड सबसाइडेड एस यू बी एस आई डी ई जी कब बिफोर बिफोर मीन जाने से पहले बिफोर द टीचर वेंट टू द्लास बिफोर द टीचर वेंट टू द्लास सो आपने क्या याद रखा कि टीचर के क्लास में जाने से पहले ही जो आवाज थी शोर गुल जो था वो बंद हो गया था द नॉइज हैड सबसाइडेड बिफोर द टीचर वेंट टू द क्लास ये हमारे पास बन गए बेटा वो फुल, फुल सेंटेंस अब आपने इस चीज़ में नोट किया होगा कि जहाँ पर भी जो है भीड़ तितर बितर हुई सभा में जाने से पहले जो कुछ पीछे हुआ वहाँ पर हमने पास परफेक्ट टेंस को यूज़ किया और जब गया मैं सभा में गया वहाँ पर हमने क्या किया वहाँ पर हमने पास इन डेफिनेट टेंस को यूज़ किया है So, इस तरह से बेटे हमें इन टेंसेस को समझ लेना चाहिए एक और जो है सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे देती हूँ जैसे हिंदी में या इंग्लिश में हिंदी में हम ले लेते हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था देखो आप आपके पास जो सेंटेंस है वो क्या है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है जो एग्जाम्स में आता है हमेशा आप देखेंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव इवन टेस्ट में भी आता है द पेशेंट मरीज का मतलब होता है रोगी का मतलब है पेशेंट द पेशेंट रोगी मर चुका था यानी कि द पेशेंट हैड डाइड हैड लगाया और वर्क की थर्ड फॉर्म लगा दी द पेशेंट हैड डाइड कब डॉक्टर के आने से पहले बिफोर डॉक्टर के आने से बिफोर द डॉक्टर केम बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड फोर द डॉक्टर केम सो वेरी इजी ठीक है इसके साथ ही दूसरा सेंटेंस है पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि चोरों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं थीफ टी एच आई ई एफ थीफ होता है एक चोर और थीव्स टी एच आई ई वी एस थीव्स होते हैं जब ज्यादा चोर होते हैं यानी कि सिंगुलर thief और उसका प्लूरल दैट इज व्हाट दैट इज thieves सो so हमने लिखा द thieves हैड fled भाग गए ना f l e d fled सो so द thieves had fled कब बिफोर द पुलिस केम पुलिस के आने से पहले ही चोर जो है उन्होंने क्या किया वो भाग गए ओके सो अब जो है बेटे ये सेंटेंसेस जो हैं इनको आप अच्छे से माइंड में रखिए इनके रूल्स को अच्छे से माइंड में रखिए देन इजीली व्हाट यू कैन डू यू कैन चेंज द सेंटेंसेस और आपको पास परफेक्ट जो है उसमें सेंटेंसेस बनाने आएंगे अब आप क्या करें आप अपना होम असाइनमेंट जो है उसको नोट कीजिए राइट डोन द सेंटेंसेस आई डैश फुटबॉल आई डैश फुटबॉल फॉर एंटरटेनमेंट ई एन टी ई आर टी ए आई एन एम ई एन टी अब आप इसमें क्या करें ब्रैकेट में वर्ड लिखिए प्ले नो वट यू हैव टू यू यू हैव टू मेक द करेक्ट यू हैव टू यूज रेदर द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास परफेक्ट टेंस ये जो आपको वर्ब दिया है ना जैसे प्ले दिया है आपने इसको पास परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस में यूज करना है दूसरा लिखिए दे डैश देयर पेशेंस दे डैश देयर पेशेंस ब्रैकेट में लिखिए लूज एल ओ एस ई थर्ड सेंटेंस लिखिए माई फ्रेंड डैश इज सॉन्ग वेरी वेल माई फ्रेंड डैश ए सॉन्ग वेरी वेल और ब्रैकेट में वर्ड लिखिए सिंग एस आई एन जी एक और लिखिए द पुलिस मैन डैश द थीफ वेरी इजिली द पुलिस मैन डैश द थीफ वेरी इजिली ब्रैकेट में वर्ड लिखिए कैच सी ए टी सी एच कैच ठीक है सो आपने क्या करना है इन सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है तो जो वर्ब मैंने आपको दिया है उसके करेक्ट फॉर्म को यूज करिए सो so, बेटे आई होप द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस दे आर क्लियर टू यू जितनी प्रैक्टिस करेंगे यू विल लर्न मोर एंड विद दिस नोट आई टेक योर लीव बाय